नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज ना एक ऐसे मंत्र की बात करने वाली हूँ जो आपकी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी आपकी रियलिटी क्यों ना हो, आपके 3D वर्ल्ड में कुछ भी क्यों ना घट रहा हो। 3D वर्ल्ड मतलब आपकी जिंदगी में, जीवन में, घर में, कहीं भी, हाँ इसे कहते हैं हम 3D रियलिटी। ठीक है, आपकी 3D रियलिटी में यानी कि आपके जीवन में कहीं भी किसी भी एरिया में कुछ भी क्यों ना घट रहा हो, कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ गई हो, आप अपनी रियलिटी को इस एक मंत्र से शिफ्ट कर सकते हैं पूरी तरह। यस, 100% शिफ्ट कर सकते हैं और ये काम करता है तुरंत। तुरंत मतलब आपने आज शुरू किया, आपको अगले कुछ दिनों में ही इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा कमाल का पावरफुल मंत्र है। ठीक है, तो ये मंत्र क्या है इसके बारे में भी मैं डिटेल में कवर करने वाली हूँ। इसका जो शब्दों का चयन किया गया है और क्यों ये आपके रियलिटी को चेंज कर देने की ताकत रखता है, किस तरीके से करता है, क्योंकि मैं जब बात करती हूँ ना आप लोगों से किसी भी अफर्मेशन की या किसी भी मंत्र की या किसी भी ऐसी बात की जहां पर मुझे पता होता है कि उन चीजों के अंदर वो ताकत है, तो शब्दों के जोड़ तोड़ से ही वो चीजें बनती हैं। आप शब्दों के जोड़ तोड़ को नेगेटिव करके या बीच में कोई नेगेटिव वर्ड को फंसा करके किसी भी तरीके का अफर्मेशन देते हैं, किसी भी तरीके के मंत्र का यूज करते हैं, बीच में अपनी कोई भी ऐसी चीज को लगा देते हैं जो थोड़ी सी भी नेगेटिव हो, तो आपको जो रिजल्ट होते हैं वो नेगेटिव आते हैं। लेकिन जब हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हों और एक के बाद एक आप जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं वो पावरफुल हों, एक के बाद एक वो पॉजिटिव हों, एक दूसरे के साथ मिल करके वो शक्तिशाली बन जाए और आपके जीवन में वो उतर करके आ जाए जिस शक्ति का आप आवाहन कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप चाहते हैं कि आपकी जो रियलिटी है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो शब्दों का चयन बहुत 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 जरूरी है। अगर आप कुछ अफर्म भी करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए उसके अंदर कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं, वर्ड हो सकता है, वर्ड इस तरीके के जो वर्ड होते हैं जिसमें हो सकता है में आ जाता है, शायद, मे बी, है ना, मतलब आप पूरी तरीके से श्योर नहीं है। तो जहां पर भी डाउट्स हो, आप श्योर ना हो, नेगेटिव वर्ड्स हो, ऐसे वर्ड्स कभी भी किसी भी अफर्मेशन में, मंत्र चैंटिंग के बीच में अगर आपकी कोई इच्छा है जिस चीज को लेकर के नेगेटिविटी चल रही है वहां यूज ना करें। ठीक है, तो अब मैं वो मंत्र आपको बताती हूँ जिसको आपको कैसे करना है, वो भी थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लेंगे। आपको ये करना है सुबह सुबह उठते ही, जैसे ही आप उठे हैं ना, आपको नहाने धोने की भी जरूरत नहीं है, इवन आपको बिस्तर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उठे और आपको इसका उच्चारण करना है, तो वो मंत्र है, मेरा भाग्य उदय शुरू हो चुका है, मेरा भाग्य उदय शुरू हो चुका है, मेरा भाग्य उदय शुरू हो चुका है। उदय मतलब अब आप राइज कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना सूर्योदय, यानी कि सूरज का उदय हो रहा है। बस यहां पर आप सारे शब्दों को अब चेक कर लीजिए, मेरा यानी कि आपका, जब आप अपने लिए अफर्मेशन का यूज करते हैं तो आप बोलते हैं मेरा यानी कि मेरा, भाग्य मतलब भाग्य, जिसको आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से समझ चुका है कि ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका भाग्य अगर आपके साथ में चल रहा है तो वो कमाल के रिजल्ट आपको देने ही वाला है ना। तो अगर हम एक भाग्य शब्द समझ करके भी लेते हैं तो भी ये कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली काफी हद तक फिट है, ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर इसकी फिटिंग सेट ही है। ठीक है, तो दूसरा जो शब्द है वो भाग्य है, उदय, राइज। जब भी आप किसी चीज का उदय के बारे में सोचते हैं, जब भी आपने बचपन में भी सुना होगा कि सनराइज पर आपको उठना चाहिए, इस चीज का उदय हो रहा है आपके जीवन में, ये चीज ऐसे खिल करके बाहर आ रही है आपके जीवन में, ये चीज जो है वो ऊपर उठ रही है। तो जैसे ही आप उदय शब्द का यूज करते हैं, यानी कि आप राइज शब्द का यूज करते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत ही पावरफुल शब्द हो जाता है। ठीक है, मेरा भाग्य
उदय शुरू, यानी कि आप अपनी जो भी रियलिटी है उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर रहे हैं, वहां शुरू को लगा रहे हैं, यानी कि वो अभी से ही होना शुरू हो गया है, ठीक है, हो चुका है। तो हो चुका है, हो गया है, हो गया है, ठीक है, हो रहा है, ये सारी चीजें आपको नहीं लगानी है, हो चुका है, हो गया है, यानी कि आप इस चीज को अभी इसी वक्त प्रेजेंट में रह करके अफर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपको सुबह ही सुबह ये अफर्मेशन देनी है, आराम से बैठे आंख बंद कीजिए और फील कीजिए जैसे सूर्य का उदय होता है, सारे अंधकार को वो मिटा देता है, ऐसे ही जब आपके भाग्य का उदय हो रहा है, सारी नेगेटिविटी को वो अपने आप ही हटा रहा है, उसकी वजह से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं, आप ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन पूरी तरीके से टर्न हो चुकी है, आप बदल चुके हैं अपनी रियलिटी को, अपने 3D वर्ल्ड को, जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है। अब आपने शब्दों का यहाँ पे महत्व समझ लिया, मॉर्निंग में करना है ये समझ लिया, आराम से ये फील करते हुए करना है, जैसे कि सूर्य उदय होता है सारे अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही मेरा भाग्य उदय हो रहा है, मेरी लाइफ के सारे अंधकार को वो नष्ट कर रहा है, ठीक है। आपने मॉर्निंग में ये कर लिया, अब जब आपकी मॉर्निंग शुरू होती है उसके बाद क्या होता है, आप पूरे दिन ये फील नहीं करते हैं ना कि अभी अंधेरा हो जाएगा, आपको पता है कि रात को ही अंधेरा होगा, ठीक है, श्योर हो ना आप, मैं भी श्योर हूं कि पूरे दिन रहेगा, एक इवनिंग के बाद से वो वाला टाइम आ जाता है जहां पर हमें ये फील होता है कि हाँ अब अंधेरा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये लगे कि हाँ अब मेरे जो दिन के अंदर अंधेरा है वो शुरू हो गया है, दिन के अंदर, लाइफ के अंदर नहीं, दिन के अंदर, ठीक है, जो कि होना ही है, आपकी इवनिंग स्टार्ट होगी तो आपके दिन के अंदर अंधेरा आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आपको फिर से उन्हीं अफर्मेशन का यूज करना है, मेरा भाग्य उदय शुरू हो गया है, मेरा भाग्य उदय शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप फील करके इसको इवनिंग में और रात को सोने के पहले, ट्रस्ट मी, आप इसको जितना ज्यादा रिपीट करेंगे आप इस फीलिंग से भरते चले जाएंगे कि आपका जो भाग्य है वो उदय हो गया है, और ये आपकी रियलिटी शिफ्ट कुछ दिनों के अंदर ही, अगर आपने इस चीज को फील करके कर लिया तो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, क्योंकि शब्दों की ताकत है यहाँ पे, एक के बाद एक पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, आप प्रेजेंट टेंस का यूज ऐसे कर रहे हैं जैसे कि सनराइज के लिए आप पूरी तरीके से श्योर होते हैं, यानी कि श्योरिटी है यहाँ पे, आपने सारे डाउट, सारी नेगेटिविटी, सारी चीजों को सुबह उठते ही अपना लिया है, ठीक है, कि वो जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में है वो सारी की सारी चीजें हैं, ओके कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाग्य उदय से वो अंधेरा मिट रहा है। तो जब आप ये अफर्मेशन दें तो फील करें कि आपकी जो नेगेटिविटी है, आपकी जो नेगेटिव सिचुएशन है, जिस रियलिटी को आप शिफ्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं, उसके ऊपर रोशनी पड़नी शुरू हो चुकी है और वो धीरे धीरे करके वैनिश हो रहा है। इसके लिए आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, इसके लिए आप इसी तरीके से जैसे मैं बोल रही हूँ ना अफर्मेशन के बाद में, आप फील कर सकते हैं कि वो उजाला हो रहा है, मॉर्निंग में उठ करके आप सनराइज को देख सकते हैं कि किस तरीके से अंधेरा मिटता है और उजाला होता चला जाता है, क्योंकि अंधेरा और कुछ नहीं है, लाइट की एब्सेंस है, अपने आप में वो कुछ नहीं है, बस वैसे ही हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव हमारे 3D वर्ल्ड की जो रियलिटी है वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोशनी की एब्सेंस है। तो यहाँ पे हम रोशनी डाल रहे हैं और वो एब्सेंस जो है वो धीरे धीरे मिटती चली जाएगी। तो ये है वो पावरफुल मंत्र, और आप इसे दिन में करेंगे अगर 3 बार, सुबह उठ करके, इवनिंग टाइम पे और रात को सोने के पहले, आपको कुछ ही दिनों में कमाल के रिजल्ट मिलेंगे, आपकी सारी ही सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आप खुद फील करेंगे स्टार्टिंग से लेकर के तब तक इसे करते रहें जब तक आपको ये फील होता है कि हाँ आप इस महसूस करने वाले गेम में पूरी तरीके से उतर चुके हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आपका भाग्य उदय हो चुका है। छोटी मोटी चीजों में आपको अब अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी न्यूज जो है वो मिलनी शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो इस अफर्मेशन को जब तक चाहें दे सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इसके लिए कोई लेट गो नहीं है, आपको बस ये फील करना है, क्योंकि आप तब तक है और आपका भाग्य तब तक है जब तक आपके शरीर के अंदर इस आत्मा का वास है। तो आप जब तक चाहें तब तक इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। ये मंत्र आपको बहुत 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 फायदे देगा और आपका भाग्य उदय जरूर 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 हो रहा है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।